तारक मेहता शो कंट्रोवर्सी के जाल में उलझता ही जा रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में रोशन सोढ़ी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। जेनिफर मिस्त्री ने अपने इंटरव्यू में जेठालाल यानी दिलीप जोशी और बबीता जी यानी मुन्मित दत्ता को लेकर भी बात की। जेनिफर मिस्त्री ने अपने इंटरव्यू में जेठालाल यानी दिलीप जोशी पर बात करते हुए कहा, उन्हें लास्ट 2 सालों में दिलीप जोशी के साथ खूब मजा आता था। वह कुछ भी फनी करती थी तो जाकर सर को बताती थी। जेनिफर ने कहा, उन्हें मजा आता था सर को हंसाने में। दिलीप जोशी उन्हें आए दिन वेब सीरीज सजेस्ट करते थे, फिर देखने के बाद मजेदार डिस्कशन करते थे, जिनके साथ बहुत स्वीट रिलेशन रहा। वह पूरी तरह पूरी यूनिट का सोचते हैं। जेनिफर ने एक इंटरव्यू में बबीता जिया ने मुनमुन दत्ता को लेकर भी अपनी बात कही। जेनिफर ने कहा, मुनमुन के साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी। जब उनकी बेटी पैदा हुई थी तो सबसे पहले मुनमुन को बताया था। एक समय था जब वह मेरे सबसे क्लोज थी, फिर एक समय के बाद उनका अलग सर्कल हो गया।